झालावाड़ के जिला कोविड अस्पताल में देर रात शाम संक्रमित रोगी के उपचार के दौरान मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाथापाई कर डाली। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज से बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर भी पहुंच गए और मामला बिगड़ता गया। हालांकि मामले की भनक लगते ही SDM मोहम्मद जुनैद और DSP अमित कुमार सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और समय रहते दोनों पक्षों को अलग किया और किसी तरह मामले को शांत करवाया। जिला कोविड अस्पताल में भर्ती मृतक प्रताप सिंह शक्तावत के पुत्र ने बताया है कि उनके पिता गत 15 दिनों से जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती है, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन स्थिति में मामूली सुधार आते ही उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया, जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम चल रहा था। ऐसे में परिजनों द्वारा नर्सिंग स्टाफ व रेजिडेंट चिकित्सकों से सीनियर डॉक्टर्स को बुलाने की गुहार लगाई गई, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अभद्रता करते हुए उपचार से ही मना कर दिया और मरीज की मौत हो गई। ऐसे में मरीज की मौत के लिए चिकित्सकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए परिजनों ने हंगामा कर दिया। मेरे फादर यहाँ 25 मई से एडमिट है, जिनका उस टाइम वेंटिलेटर पर एडमिट किया था। उस टाइम जब एडमिट किया, जब मतलब 85 के लगभग ऑक्सीजन लेवल आ रहा था, लेकिन इनका 15 दिन से इलाज चल रहा है, लेकिन सब सही चल रहा था, लेकिन वेंटिलेटर का जो फ्लो है 21 रहता है लास्ट, और 25 से 21 के बीच में हटाई जाती वेंटिलेटर को, लेकिन इन्होंने 40 का फ्लो था उसमें वेंटिलेटर को हटा दिया, जबकि हमारे जो पास में पेशेंट एडमिट था उसका 21 पर हटाया था उन्होंने, और इन्होंने इनकी लापरवाही की वजह से इन्होंने उसमें 40 के प्रॉपर वेंटिलेटर को हटा दिया, और इससे पेशेंट की तबीयत बिगड़ के उनको घबराहट हो गया और उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 60 के लगभग 55 पे आ रहा है और अभी, और ये बोल रहे हैं कि उस पर पाइप डालेंगे मैडम जी जो, और इन्होंने कम से कम 2 घंटे तक हम बोलते रहे कि आप सीनियर डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन सीनियर डॉक्टर को नहीं बुलाया इन्होंने, और इनकी लापरवाही की वजह से, और फिर बुलाया तो ये जो सारे रेजिडेंट डॉक्टर इकट्ठे हो गए और हमसे कह रहे हैं कि आपने अभद्रता की हमारे साथ, जबकि हमने इनको बताया था कि पेशेंट की तबीयत खराब है, आप सीनियर डॉक्टर को बुला लीजिए। ऐसा हुआ कि पेशेंट सीरियस था, ICU के अंदर भर्ती था, और वो शाम से ही और ज़्यादा जब डाउन हुआ एकदम, तब से उन्होंने कुछ बदतमीजी करी महिला चिकित्सक के साथ। उस टाइम भी फ़ोन आया, मैंने समझाइश करवाई और गार्ड भिजवाया, पुलिस आई, और उसके बाद में भी फिर दोबारा मेरे पास खबर आई, मैं खुद आया, देखा कि उन्होंने बदतमीजी करी और काफ़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, तो उधर डॉक्टर्स भी इकट्ठे हुए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस भी आ गई है और उसकी रिपोर्ट कर दी है। अब रिपोर्ट के बाद वो इंक्वायरी करेंगे कि किसकी गलती थी। सूचना मिली कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है जो भर्ती है, उस संदर्भ में जो उसकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आप तुरंत यहाँ पर आवें। इस पर मैं जाते कि मैं आया तो यहाँ पर उसके परिजन मौजूद थे और डॉक्टर साहब थे। मैं जब आया तो डॉक्टर साहब और जो परिजन दोनों अपने अपने जगह आराम से खड़े हुए थे, इस तरह से कोई झगड़े वाली या कहासुनी वाली मेरे सामने तो कोई बात हो नहीं रही थी। इस टॉपिक पर इनकी पहले कुछ अगर मेरे से पहले कहासुनी हुई हो तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे, मालूम करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे परिजनों से। डॉक्टरों द्वारा इलाज से मना करने की भी कोई बात सामने? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब के नाम ऐसा कोई बात नहीं आई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो डॉक्टर की लापरवाही रही है। नहीं सर, मेरे आया हूँ तो मेरे सामने सभी डॉक्टर बदस्तूर काम कर रहे हैं।